खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करिए आरपी टीवी न्यूज़ और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूले। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कांग्रेस पर लगाए आरोप। कांग्रेस द्वारा भाजपा के 57 कार्यकर्ताओं को कांग्रेस ज्वाइन करवाने की बात को लेकर आज भाजपा जिला अध्यक्ष ओम सोनी ने कांग्रेस तथा पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन पर आरोप लगाया। उन कार्यकर्ताओं को धोखे से एवं अन्य प्रलोभन देकर अपने निवास पर बुलाकर कांग्रेस का गमछा पिनाया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष ओम सोनी ने बताया कि अभी तक बाला बच्चन को आप के बारे में झूठ बोलते सुना था, लेकिन फर्जी तरीके से कांग्रेस ज्वाइन करवाने की पहली बार देखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सस्ता वाला फॉर्म जिस पर कार्यकर्ता के हस्ताक्षर करवाए जाना बताया जा रहा है वो कांग्रेस की एक्सपायरी डेट वाला फॉर्म था और वो फॉर्म 2011 से 2019 तक का ही था। भाजपा जिला अध्यक्ष ने उन सभी कार्यकर्ताओं को अपने निवास पर बुलाकर मीडिया से रूबरू करवाया। मीडिया के सामने उन सभी लोगों ने बताया कि आज भी हम भाजपा के साथ हैं। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष जीतू यादव, नगर पंचायत अध्यक्ष पप्पू कुशवाहा, पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष जीतू यादव, पूर्व मंडल अध्यक्ष तुलसीराम पटेल सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। बात कर रही है, मैं पदाधिकारियों की भाजपा बात कर रही है, उसमें सिर्फ 2 या 3 लोग ऐसे हैं जो पदाधिकारी और जिनको जानते, बाकी इसके अलावा जो भी नाम है बोले ये पता नहीं कौन है, कहां से लाए। वार युद्ध क्यों? इसे भारतीय जनता पार्टी में तो पूरी रिकॉर्डेड पार्टी है। हमारे पास जिले से लगाकर मंडल और मंडल से लगाकर ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत में आने वाला बूथ, हमारे पास पूरे संगठन की रचना है और संगठन की रचना से भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करते हैं। ये हमारे पास उसका पूरा रिकॉर्ड बड़वानी जिले के अंदर भी है, हमारे मंडल के पास भी है और हमारे राष्ट्रीय स्तर पर भी उसका डाटा है। हम उसका डाटा निकालकर आपको दे सकते हैं। और एक सदस्यता फार्म भी कांग्रेस ने सिग्नेचर कराया, वो आपके पास भी उसके विजुअल होंगे। उस सदस्यता फार्म में स्पष्ट लिखा है कि 5 रूपये का कांग्रेस का सदस्य 2011 से 2019 के बीच का है। अभी 2021 चल रही है, वो जब कभी भी हम कोई नकली काम करते हैं और उसको असली बनाने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई भूल और चुक कर देते हैं। तो विजुअल में आप देखिए कि जो सदस्य के फार्म पे सिग्नेचर कराने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है वो 2011 से 2019 तक का है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस सदस्यता अभियान पर सिग्नेचर कराया है वो 2020-21 का है। इससे साबित होता है कि कांग्रेस के जो 14 नेता है उससे बौखला कर इस प्रकार का कृत्य कर रही है। मेरे साथ में जो हमारे कार्यकर्ता हैं जिनको प्रलोभन देने की बात की जा रही थी, जिनको लालच देने की बात की जा रही थी, जिनको किसी भी माध्यम से उकसाने की बात कर रहे थे, वो सब कार्यकर्ता मेरे साथ में खड़े हैं। राजपुर मंडल के हमारे मंडल अध्यक्ष हमारे साथ में है। हमने उनसे पूछा कि आपके रिकॉर्ड में क्या है, मेरे पास रिकॉर्ड में क्या है जिले में। हमने जब मिलान किया तो ऐसा एक भी नेता भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नहीं है जो पदाधिकारी जिनने कांग्रेस ज्वाइन करी हो। ये राजपुर नगर के नवरपुरा वार्ड नंबर 2 के कार्यकर्ता हैं, ये मेरे साथ में खड़े हैं। इनका आप बयान लीजिए और इनसे बात कीजिए। दुर्गेश, तुम तो नारेबाजी कर रहे थे। वो मैं माला देने गया था। अच्छा, तो वो बाला भाई ने जबरदस्ती गले में गमछा में डाल दिया। पर ये नारेबाजी करने के लिए किसने बोला? बाला भाई ने। अच्छा, बाला भाई ने बोला। तो तुम बीजेपी को थ्रू तुम नारेबाजी क्यों कर रहे हो? ये लेके दोस्त यार, दोस्त यार चल रहे हो। कमल, तुम्हारा भी नाम है? जी, नाम जरूर सर। एक्चुअली मुझे फ्रेंड का कॉल आया था कि मैं मंदिर के कार्य के लिए मैं पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन जी के यहाँ चलना है, जैसे कि मंदिर का कार्य पूर्ण रूप से हुआ नहीं था और मंदिर में कहने की आवश्यकता थी, तो उस आवश्यकता को लेकर हम बाला बच्चन जी के घर जाने वाले थे। तो वहां पर जब मुझे कॉल आया कि चलना है तो बट मैं जा नहीं पाया, लेकिन जब मैंने वीडियो देखा कि वहां पर कांग्रेस पार्टी जो थी जिन्होंने मेरे फ्रेंडों को वहां पर ज्वाइन कराया, तो उसके बाद मुझे पता चला कि ऐसी कुछ घटना हो रहा है, इसके कारण मैं गया ही नहीं सर वहां पर। और मुझे किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी कि वहां पे जो कांग्रेस ज्वाइन करना है कुछ करना है, सब कुछ भी जानकारी। तुम्हारा नाम कैसे? सर नाम सर जो फ्रेंड सरकार है सर, तो फ्रेंड सर्कल से सभी सर नाम लिस्ट बनाएंगे, तो हो सकता है किसी फ्रेंड ने दी हो सर। कांग्रेस ज्वाइन की आपने? नहीं, कांग्रेस ज्वाइन नहीं करी। हमको फ्रेंड का फोन आया था, बोले मंदिर पे काम है तो आ जाओ। बोले मंदिर पे सब लोगों उनको इकट्ठा करा और वहां से मंदिर का काम ही करके बुलाया था हमको, और वहां से गृह मंत्री बाला बच्चन जी के यहाँ ले जाया गया हमको, और हमारे बिना पूछे नाम लिखा उसे डायरी में, और हमको कई वहां पे जुड़ने का कई हमको वो नहीं था। हम तो
मंदिर के काम से गए थे। आप लोगों के गले में गमछे डले हुए थे, आप नारेबाजी भी कर रहे थे। जो वहाँ अंदर गए तो जरा डाल दिए थे, तो हम क्या अभी अंदर से तो थोड़ा बहुत हो गया, हम तो गलती से चले गए थे वहाँ पर।